नमस्कार, मैं हूं संजीव गंभीर। आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज। यूं तो प्रेरणा ऐप के खिलाफ बरेली नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक अपने अपने तरीके से आंदोलित हैं, आंदोलन कर भी रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता भी है कि बरेली में प्राथमिक शिक्षकों के दो प्रमुख गुट अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से आंदोलन कर रहे हैं। बीते दिनों हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर आंदोलन करते हुए देखा था मुकेश सिंह चौहान गुट को, नरेश गंगवार गुट को। ये दोनों गुट अलग अलग ध्रुवों पर अलग अलग तरीके से अपने अपने गुट से जुड़े शिक्षकों को बुलाकर प्रेरणा ऐप का विरोध करते रहे थे। उद्देश्य दोनों गुटों का एक, लेकिन आंदोलन अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज में हो रहे थे। शैक्षिक महासंघ के दखल के बाद इस आंदोलन की कमान माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता आफताब अहमद खां को दे दी गई और आफताब अहमद खां के प्रयासों से दोनों गुटों के शिक्षक नेता अपने अपने समर्थकों के साथ बरेली के दामोदर स्वरूप पार्क में बीते दिन जमा हुए। एक प्लेटफार्म पर, एक मंच पर आकर नरेश गंगवार गुट और मुकेश चौहान गुट से जुड़े शिक्षकों ने उद्देश्य के प्रति अपनी निष्ठा जताई और मिलकर प्रेरणा ऐप के आंदोलन का विरोध किया। इस दौरान शेर दामोदर स्वरूप पार्क में सभा के दौरान ये गुटबंदी उस समय उभर कर आ गई जब मुकेश सिंह चौहान गुट से जुड़े सक्रिय शिक्षक नेता पंकज सक्सेना ने बीते साल पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर जो आंदोलन हुआ था उस पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि जब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन हो रहा था तब वो लोग कहां थे। देखिए क्या बोले सभा के दौरान पंकज सक्सेना, सुनते हैं दामोदर स्वरूप पार्क में पंकज सक्सेना का दिया गया वो भाषण जिससे सुलगी थी आग। जो हमारा पेंशन, पुरानी पेंशन का आंदोलन था उसकी अगुवाई किसने करी थी, नाम बताओ भैया? मुकेश चौहान जी। आज तक जो लोग घरों में दुबे बैठे थे आ गए, उनका बहुत बहुत हृदय से स्वागत, बहुत बहुत तालियों से स्वागत करिए। बहुत बढ़िया। हम तो चाहते हैं हमारे साथी हमसे अलग ना हो, लेकिन वो मान सम्मान रखते हैं जो पद और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होता है। केवल बाकी पंकज सक्सेना का भाषण आपने सुना होगा। इसके प्रत्युत्तर में नरेश गंगवार क्या बोले हैं, आइए हम सुनाते हैं नरेश गंगवार का वो भाषण जिसे उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर अपनी निष्ठा की सफाई दी थी। क्या बोले हैं नरेश गंगवार, सुनिए नरेश को। तो लेकर के अभी भाई ये साथी ने कहा था पेंशन ना धरने में, कहा थे कहना नहीं चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन छूटना भी नहीं। साथियों कंधे से कंधा मिला करके हम इनके साथ थे। हमें इस बात का गम नहीं है कि हम सदस्य हैं या नहीं है, पदाधिकारी हैं या नहीं है, अध्यापक हैं। अध्यापक होने के नाते नरेश गंगवार के भाषण के बाद प्रांतीय संगठन मंत्री हरीश बाबू शर्मा और आफताब अहमद खान ने भाषण दिया और बाद में दोनों गुटों से जुड़े शिक्षक रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट की तरफ ज्ञापन देने के लिए रवाना हुए। लेकिन कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद आखिर वो गुटबंदी नरेश गुट और मुकेश गुट में लंबे अरसे से चल रही थी वो उभर कर सामने आ गई। क्या हुआ कलेक्ट्रेट के गेट पर, आइए वो नजारा भी हम आपको दिखा रहे हैं। Thank you.
देखो अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा। गंभीर न्यूज़ से मैं हूं आपका दोस्त संजीव गंभीर।